इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और एक वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरु जी, मेरा एक और प्रश्न है कि साधकों को फुसकार मारती हुई कुंडलिनी क्यों दिखाई देती है, वो कुंडलिनी उनको शांत रूप में क्यों नहीं दिखाई देती है? तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। जो साधक उग्र साधना करते हैं उनको ऐसा अनुभव आता है। मैंने अपनी पुस्तक में भी ऐसे कई अनुभव लिखे हुए हैं कि वो कुंडलिनी फुसकार मार रही है, फुसकार मार रही है। उसका कारण ये होता, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो साधक का शरीर इतना शुद्ध नहीं होता। साधक का शरीर शुद्ध करने के लिए, अर्थात जड़ तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व को नाश करने के लिए, वो अपने मुंह से दिव्य शक्ति यानी योग बल, विशेष तरह की शक्ति निकालना शुरू कर देती है। और उसका स्वभाव यही है कि यानी जलाना शुरू कर देती है। वो वास्तव में अग्नि तत्व ही होता है, बदला हुआ अग्नि तत्व ही होता है जो वो फुफकार मार रही है। जैसे ऐसा लगता है जोर से वायु निकाली, एकदम से फुफकार मार रही है। तो ऐसा समझ ले वो साधक कि उसकी जो जड़ता है साधक की, वो समाप्त कर रही है और कुंडलिनी आगे जाना चाहती है। ऐसे साधक को प्राणायाम वगैरह अधिक करना चाहिए। और ऐसा ही नहीं होता, कभी कभी कुंडलिनी तो ऐसा भी लगता है वो अंतरिक्ष में विद्यमान है, सिंहासन पर बैठी हुई है, नागिन ही सुनहली सिंहासन पर बैठी हुई है और जोर जोर से फुसकार मार रही है। जोर जोर से, इतने जोर से मार रही कि उसके नाक से यानी उसके मुंह से भाप जैसी चीज़ निकल रही है। और भाप जैसी चीज़ इतनी ज़्यादा निकल रही है कि अंतरिक्ष में चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे भाप के बादल इधर उधर घूम रहे हों और भाप ही भाप फैल जाती है। तो उसका अर्थ यही है कि निश्चय ही ऐसे साधक की कुंडलिनी उग्र है, साधना उसकी अच्छी चल रही है, अधिक संयम करके पालन कर रहा, तो कुंडलिनी भी उसका साथ दे रही है। अर्थात शुद्धता को बिखेरने के लिए वो अपने मुँह से अग्नि तत्व या जिसे कभी कभी कह देते हैं योग बल निकाल रही है, योग बल तो नहीं होता, अग्नि तत्व को निकाल रही है और वो साधक के शरीर को शुद्ध करने के लिए होता और इससे सत्वगुण की अधिकता भी बढ़ती है। ऐसे साधक को और शुद्धता लानी चाहिए ताकि उसका चित्त और शुद्ध हो जाए और जैसे शुद्ध होगा फिर वो कुंडलिनी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। लेकिन शांत अगर नहीं है तो एक अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि बार बार अगर फुफकार मार रही है तो साधकों को डरना नहीं चाहिए, कुछ अन्य सोचना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार अगर ऐसी करती है तो ऐसा समझो कि साधक को साधना में सहयोग कर रही है और वो शुद्धता बिखेर रही है वो।
और इससे साधक का भौतिक शरीर भी निरोगी होने लगता है, सूक्ष्म शरीर और शुद्ध होने लगता है, साधना और आगे जाने लगती है, चित्त की मलिनता भी जागने लगती है। तो फुफकार मारना एक अच्छी बात है, मैं ऐसा अनुभव किया मैंने, और यही मैं अर्थ निकालता हूँ कि फुफकार मारना एक अच्छी बात है, क्योंकि उसके मुँह से दिव्य शक्ति ही निकलती है, कोई वो साधारण नाग नहीं है, वो दिव्य शक्ति है, इसलिए उसके मुँह से जो भी निकलेगा, जो भी होगा, दिव्यता ही होगी। क्या कुंडलिनी के अनुभव साधक को स्वप्न अवस्था में भी आ सकते हैं? साधक की साधना अगर अच्छी है, शुद्धता है, तो हाँ स्वप्न में आ सकते हैं उसके अनुभव, मगर ऐसी अवस्था में साधक स्वयं पूरा अर्थ ना निकाले, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप में दिखेगी। स्वप्नावस्था में क्या होता है, कभी कभी कुछ अनुभवों में विचार यानी मन का मिश्रण यानी विचार भी आ जाते हैं उस दृश्य में, तो ऐसा है कि वो अपना अनुभव, जिस साधक को इस तरह का हो कि कुंडलिनी के अनुभव आ रहे हैं, कुंडलिनी कुछ कर रहे या उसके साथ कोई क्रिया कर रही, तो मार्गदर्शक को बताए, मार्गदर्शक तो अनुभवी होता ही है, वो सही बताएगा। मगर साधक अगर अधिक शुद्ध है, मन शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, तो फिर उसमें विचार नहीं आते, मन के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो हाँ, साधक को कुंडलिनी का अनुभव स्वप्नावस्था में बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसे साधक को मैं अच्छा साधक कहूँगा कि स्वप्न में भी आ रहे हैं, अर्थात वो इतना अंतर्मुखी है कि वो सो रहा है, स्वप्नावस्था में है, और कुंडलिनी का अनुभव आ रहा है या कुंडलिनी काम कर रही है, तो एक साधक या ऐसे साधक अच्छे साधकों के श्रेणी में आते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मरंध्र को खोलने के पश्चात क्या कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में गमन करती है अथवा नहीं? सही बात यह है कि ब्रह्मरंध्र का जो अगर क्षेत्र देखें तो सिर के ऊपरी भाग में अंदर निचली सतह में लग होता है, सिर का बिल्कुल ऊपरी भाग अंदर की ओर से वहाँ पर ब्रह्मरंध्र द्वार होता है। अगर हम भौतिक रूप में कहेंगे तो वो बहुत ही छोटी जगह में होता है, लेकिन सत्य तो ये है कि ब्रह्मरंध्र सूक्ष्म शरीर में होता है, सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर में समाया हुआ है, सारी साधना सूक्ष्म शरीर में चल रही होती है, कुंडलिनी भी सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, तो जो कुछ हो रहा है सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे इस भौतिक शरीर में ठीक उसी प्रकार समाया हुआ है जैसा हमारा भौतिक शरीर है, ऐसे वो भी बना हुआ, तो उसमें जो क्रिया होती है तो हमें भौतिक शरीर में उसकी अनुभूति होती है। तुम्हारा प्रश्न ये है कि क्या उसमें गमन करती है, सही ये है कि गमन नहीं करती है, ब्रह्मरंध्र को खोल देती है, और धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र को एकदम खुल के कोई शुद्ध नहीं होता है ब्रह्मरंध्र, और ना ही एकदम अंदर जाती है, ब्रह्मरंध्र को खोल के फिर नीचे होती है, फिर थोड़ा मुँह अंदर ले जाती है, जो मैंने अपने साधना के समय देखा, फिर थोड़ा वो ऊपर की ओर जाती है, ऐसा समझो कोई छिद्र है गोल गोल, और कोई सर्प नीचे से उसने अपना आधा मुँह घुसेड़ दिया, बस उसी अवस्था में बनी रहेगी, और ज़ोर से फुसकार मारी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने प्रश्न किया, जो फुसकार मारती है तो उससे योग बल निकला, सत्य गुण निकला, तो उससे ब्रह्मरंध्र के अंदर अहंकार का क्षेत्र होता है, जो चित्त की पहली विकृति है, अर्थात चित्त के स्तर पर शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। अब थोड़ी मनुष्य के शरीर की जो संरचना है, जो ब्रह्मरंध्र का क्षेत्र है अंदर, वो अहंकार का क्षेत्र होता है, लेकिन चित्त का क्षेत्र शास्त्रों में और भक्ति मार्ग में और वैसे भी हृदय कहा गया, नहीं कहते कि अंतःकरण से, कोई भी बात हो अपने अंतःकरण में जाओ, अंतःकरण से सोचो, अंतःकरण से निर्णय लो, और वो क्षेत्र हृदय कहा गया। अब है क्या, हृदय हमारा इधर है, इस जगह होता है सीने में, एक तरफ बाईं ओर, तो यहाँ पर जो हमारी उसमें क्रिया हो रही होती, ब्रह्मरंध्र या ऊपर है हृदय पर, दोनों की भौतिक स्थिति में देखें या सूक्ष्म शरीर में देखें तो दोनों के स्थानों में बड़ी भिन्नता है, ऊपर भी है, और अगर आगे की गति करेंगे, आगे तो जगह ही नहीं है ऊपरी भाग में, तो आगे की गति करने के लिए वो उलट पड़ती है। ब्रह्मरंध्र, आपका प्रश्न है, ब्रह्मरंध्र द्वार के अंदर जाती है, वो थोड़ा सा मुँह ऊपर की ओर निकालती है, वैसा नहीं जाती, समझ लो जितना मुँह वाला भाग है वो ब्रह्मरंध्र के अंदर कर देती है, और वही उसी स्थिति में बहुत देर तक बनी रहती, वो शुद्धता बिखेरती रहती, ताकि अहंकार वाला क्षेत्र शुद्ध हो जाए, अर्थात ब्रह्मरंध्र शुद्ध हो धीरे धीरे करके, तो साधक को अनुभूति होती है कि हमारी कुंडलिनी सीधे मार्ग से खड़ी होती है एकदम, ऐसा समझो
डंडे की तरह खड़ी हुई है और ये भाग ऊपरी भाग एकदम से गर्म होता, बिल्कुल ये लगता है जला जा रहा और वो शुद्ध कर रही होती और वो उसके अंदर आगे के लिए जगह नहीं। लेकिन जब वो आगे के मार्ग जब प्रशस्त करती है तो कुंडली ऊपर जाकर के ब्रह्मरंध्र जब पूर्ण रूप से शुद्ध होता तो आगे की ओर लट पड़ती, आगे की ओर यानी ब्रह्मरंध्र यहाँ है तो इधर से होकर के सीधे से होकर के वो आगे की ओर, पहले तो शुद्धता के लिए वो लेकिन अब यात्रा करने के लिए वो यहाँ आज्ञा चक्र में आई। काफ़ी देर तक यहाँ समय तक यहाँ रुकी रही यानी अभ्यास के अनुसार महीने दो चार महीने साल हो सकता, कुछ भी हो सकता उतरी और फिर वो नीचे की ओर अंदर ही अंदर नीचे की ओर, क्योंकि उसको चित्त में जाना आगे का अगर देखें तो चित्त अहंकार के से और आगे की जो स्थिति है चित्त की है या चित्त से ही अहंकार विकृत रूप में हुआ, चित्त से उत्पन्न हुआ तो उसे चित्त में जाना है। वैसे तो ये कहेंगे अहंकार के बाद चित्त आ गया, लेकिन जो शरीर यानी सूक्ष्म शरीर की भी संरचना है तो दिल सूक्ष्म रूप से इधर है तो उसे यहाँ से इधर आना पड़ता है। कुछ लोगों का तर्क होता है कि शास्त्रों में नहीं मिलता है और यहाँ आने का क्या मतलब, मगर ये ध्यान रखना कि जब इन चक्रों के द्वारा ऊपर जाती है यहाँ से होकर के ब्रह्मरंध्र खुला यानी यहाँ हृदय चक्र सुषुम्ना से जुड़ा हुआ, कंठ चक्र सुषुम्ना से जुड़ा मार्ग ब्रह्मरंध्र खुला और जब आगे की साधना चलते हैं और आगे अभ्यास करता है अभ्यासी तो आगे की ओर उलटना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ आगे वो नहीं जाती है और मुड़ के फिर धीरे धीरे नीचे को उलटती। तो यहाँ जो अंदर से देखें तालू, तालू के ऊपर वाला भाग यानी यहाँ जो आएगा बाहर से नहीं समझ आ पा रहे, मुँह में उंगली डालें और बिल्कुल जो सामने का है और तालू जिसे कहते हैं उसके ऊपरी वाला भाग तो आज्ञा चक्र से तालू वाले क्षेत्र से होते हुए नया मार्ग बनाती हुई आती और धीरे धीरे फिर वापस आती, मगर उस मार्ग से नहीं जिससे चढ़ी होती है और आके क्योंकि आगे की गति करनी है यात्रा करनी है फिर आकर के इधर अनाहत चक्र में यानी जो हृदय चक्र है अंतःकरण चित्त में चली जाती, फिर चित्त को शुद्ध करती रहती है। अच्छा होता क्या है कि थोड़े समय तक वो वहाँ पर रहती है फिर आगे की ओर उलटती है, जैसे अहंकार का क्षेत्र शुद्ध होता है या ब्रह्मरंध्र के अंदर का क्षेत्र शुद्ध होता है वो आगे की ओर उलट जाती है, इसलिए वो बहुत समय तक वहाँ नहीं रहती है। फिर होता क्या है कि जब फिर चढ़ती है साधन साधक ने साधना यानी समाधि तोड़ दी तो कुंडलनी फिर वापस आ गई मूलाधार में आ गई, अगर वो आगे की ओर उलट गई तो अब ब्रह्मरंध्र के अंदर वो मुँह नहीं करती, तेज गति से मूलाधार से उठी बड़ी तेज़ी से इधर से गई फिर उलट के इधर आने लगी, यानी उसकी गति अत्यंत तेज है, कहने में बहुत समय लग गया यानी एक क्षण, यानी हम कोई भी ये समय सीमा में उसे ये भी नहीं कह सकते एक सेकंड बहुत समय, ये एक सेकंड जो मात्रा है समय की जो ये इकाई है इससे भी बहुत कम समय, यानी इसके बराबर कोई गति मैं कह ही नहीं सकता, मन भी फेल है इतनी तेज गति से काम, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसकी उपस्थिति कण कण में है तो उसे कोई गति करने के लिए समय नहीं लगता। देखो एक और महत्वपूर्ण गति करने के लिए कोई, क्योंकि सभी जगह उपस्थित है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में यही कहते हैं गति करती है और महसूस भी होती है क्योंकि इतने हम लोग बहिर्मुखी हो गए तो गति करती दिखाई देती, उपस्थिति तो सभी जगह है। अर्थात फिर वो ब्रह्मरंध्र द्वार के अंदर ना जा करके तेज गति से अपने मार्ग से उठी नीचे आई इधर हो गई फिर उठी तेज आई इधर हो गई। अगर गौर करें तो कुंडलिनी का उतना ही लंबा स्वरूप हो जाता है लगभग जितनी साधक की लंबाई है, उसे थोड़ा कम, तो यानी ब्रह्मरंध्र द्वार में ज़्यादा समय तक नहीं रुकती वो आगे की यात्रा यानी उलट पड़ती, यानी उसको उलटना कहते हैं ऊपर जा कर के फिर आज्ञा चक्र होते हुए नीचे तालू के क्षेत्र में उसे कभी कभी शास्त्रों में या बहुत से योगी लोग ललना चक्र कह देते हैं, हालांकि मुख्य रूप से साथ ही चक्र कहते, उधर को वो विकसित करती हुई चक्रों को नीचे होते हुए वो हृदय क्षेत्र में आ जाती है सूक्ष्म रूप से। गुरु जी मेरा प्रश्न इस प्रकार है, अंतरिक्ष में स्वच्छ विशालकाय सोने का दरवाजा बना हुआ है जिस पर बहुत सुंदर नक्काशी बनी हुई है, इस अनुभव का क्या कुंडलिनी से कोई संबंध है? हाँ पूरा संबंध है, वो इस प्रकार है कि अंतरिक्ष में उस समय वास्तव में अंतरिक्ष स्वच्छ होता है जब ये अनुभव आता है कि जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि इन्होंने प्रश्न किया कि कुंडलिनी अंतरिक्ष में दिखाई वो बिजली के समान दिखाई देती है, ठीक इसी तरह दरवाज़ा दिखाई देता है, अर्थात उस समय अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं होता है, वह सूर्य चंद्रमा नक्षत्र वगैरह तारे वगैरह, तो उस समय बिल्कुल अंतरिक्ष स्वच्छ एकदम से स्वच्छ यानी कोई चीज़ वास्तव में चित्त ही है,
चित्र जो आकाश तत्व है वो चीज़ होती। अब ये दरवाज़ा क्यों होता, सोने का बहुत मोटा विशाल का दरवाज़ा, जैसे आजकल अगर जो हम उसकी तुलना करें उस दरवाजे की, जैसे पुराने किले जो राजे महाराजे रहते थे, किले तो बहुत छोटे होते हैं, उनके दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा था उससे भी विशाल आकार, यानी एक तरह का समझो पूरे अंतरिक्ष में किला जैसा, किले के दरवाजे जैसा बना। नक्काशी बहुत ही सुंदर, ये लगता है एकदम तपा हुआ सोना, अति सुंदर, दरवाजे को देखते ही यानी एकदम से मन प्रसन्न हो जाता। अब बात ये क्यों दिखाई देते, ये दरवाज़ा क्यों दिखाई देता और कुंडलनी से क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना है, हमारे लोकों की संरचना है, तो हम यानी अभ्यासी अंतर्मुखी हो चुका है। अंतर्मुखी होकर के जो हमारा अभी उपस्थिति इस भूलोक से है, तो अंतर्मुखी होकर के हमारा हम अभ्यासी की स्थिति सूक्ष्म जगत से हो गई, अर्थात लोक परिवर्तन हो गया या आंतरिक विकास शुरू हो गया। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो अंतर्मुखी होकर के साधक का सूक्ष्म शरीर विकसित करने लगती है और सूक्ष्म जगत विकसित होने लगता है, क्योंकि दोनों का तारतम्य एक ही है। सूक्ष्म तत्वों से सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ, उन्हीं सूक्ष्म तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, दोनों एक ही चीज़ है, एक दूसरे में समाये हुए होते हैं। वैसे ये लगता है कि हमारे शरीर में यानी अभ्यासी के शरीर में सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उसकी व्यापकता पूर्ण रूप से सूक्ष्म जगत में होती है, यानी 14 लोकों में होती है। तो साधक को ये समझ लेना चाहिए कि जब दरवाज़ा दिखाई दे तो साधक अंतर्मुखी हो चुका है, अर्थात दरवाजे का मतलब है कि सूक्ष्म जगत की एंट्री उस साधक के लिए हो चुकी है, यानी कुंडलिनी जागरण जागृत होते ही ये चीज़ दिखाई देने लगती है कि साधक अंतर्मुखी होकर के सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहा है और कुंडलिनी अपनी क्रिया करने लगती है, वो भी सूक्ष्म जगत में होती है। तो दरवाजे का मतलब है कि सूक्ष्म जगत के अंदर प्रवेश करना यानी विकास क्रम होना शुरू, ये चीज़ सिर्फ कुंडलिनी जागरण के समय ही होती है, बकाया नहीं होगी। तो और रही बात सुंदर क्यों दिखाई देता, नक्काशीदार क्यों दिखाई देता, स्थूल जगत में चाहे जितने अच्छे मकान वगैरह बना लो, बिल्डिंग यानी किसी भी प्रकार में बना लो, लेकिन वो जो सूक्ष्म जगत है अतीव सुंदर जगह है। कुछ जगह हैं जरूर वैसी गंदी जगहें हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखते हैं, चाहे स्वर्ग का दरवाज़ा देखो या किसी लोक का प्रवेश होने का दरवाज़ा देखो, तो ये चीज़ सुंदर रूप में दिखती है। इसलिए साधक को अनुमान लगा निर्णय कर लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारी कुंडलनी जाग गई है और मैं सूक्ष्म जगत में या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता हूँ ध्यान के समय, यानी अंतर्मुखी हो जाता हूँ। ये यानी इतना मतलब सोच के निर्णय कर लेना चाहिए कि हो गया हो, यानी पैमाना एक है। इसलिए वो अंतरिक्ष में दरवाज़ा दिखाई देता, वास्तव में वो एक सूक्ष्म जगत के लोक का दरवाज़ा है प्रवेश करने का, तो ऐसा दिखता है। कुंडलिनी उठने पर साधक का उड्यान बंद स्वमेव लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो शुरू शुरू में उसके अंदर शुद्धता नहीं होती साधक, तो उसे ऊर्ध होने में थोड़ी परेशानी होती है, यानी ऊर्ध नहीं हो पाती परेशानी, वो परेशानी नहीं होती, वो दिव्य शक्ति है, लेकिन एक बोलने की भाषा में कह सकते हैं कि वो ऊर्ध नहीं हो पा रही है, और उसको ताकत उसे ताकत मिलती है प्राण के द्वारा। यदि अभ्यासी अपने शरीर के अंदर का प्राण ठहरा दे यानी रोक दे, जो उसकी क्रिया हो रही है, प्राण चलता है इधर उधर क्रिया कर रहा, अगर उस क्रिया को रोक दे एक जगह स्थिर कर दे, तो कुंडलिनी को बल मिलने लगता है, ताकत मिलने लगती है, तो वो ऊर्ध होने में सहायक होती है। मैंने अभी बताया प्रश्न जो पूछा गया कि कुंडलिनी साधक के शरीर में जागते ही अपने विरोधी यानी पृथ्वी तत्व जल तत्व को खाना शुरू कर देती है, ऐसा समझो योग की भाषा में उसका भोजन है, उसकी दुश्मनी है इससे, यानी जहाँ जल तत्व और जड़ तत्व होगा वहाँ कुंडलिनी का जागरण नहीं हो पाता जब तक इसके अधिकता रहती, क्योंकि उसे शुद्धता चाहिए तो उसका भक्षण करना अथवा जलाना शुरू कर देती है। उसे और बल चाहिए तो वो साधक को अपने अनुसार क्रिया कराने लगती है, तो उसके लिए यही है कि वो नाभि वाला क्षेत्र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही क्षेत्र खाली होता है, और नाभि के क्षेत्र में एक और है, वो बहुत आगे की स्थिति है, वो तत्व ज्ञान या बहुत आगे की समाधि की विशारदता प्राप्त होने पर मालूम होता है। यहाँ नाभि का क्षेत्र जीवन का क्षेत्र भी होता है, यहाँ एक विशेष प्रकार की जगह होती है जिससे जीवन चलता है, जीवन तो इस क्षेत्र में वो प्रभावित करता है। हालांकि यहाँ वो विषय जो अभी बताया गया सब उस पर ध्यान नहीं देता देना, तो जब हम नाभि को पीछे की ओर चिपकाते हैं ऐसे चिपक जाता, चिपकाते नहीं, तो ये जो है
उसका दबाव मूलाधार चक्र में पड़ने लगता है। जब मूलाधार में प्राण का दबाव होता तो कुंडलिनी को बल मिलता है। क्यों? मूलाधार में जब ज़्यादा वायु भर जाएगी और दबाव देगी तो उस सुषुम्ना के अंदर, सूक्ष्म प्राण सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। जो इड़ा पिंगड़ा नाड़ियाँ उनमें तो प्राण चल ही रहा है, वो शक्ति वाहिनी है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में प्राण नहीं होता है, वो ना शक्ति वाहिनी है ना कुछ है, वो एकदम शांत रहती है। ऐसा समझो कि जैसे पॉजिटिव निगेटिव, और एक होता है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं, समझ लो कोई भी चार्ज नहीं उसमें, ऐसा समझ लो। तो वो प्राण जब दबाव देता है जा करके सुषुम्ना के नीचे वाले जगह में जहाँ से सुषुम्ना खुली होती है, तो वहाँ पर दबाव दे करके कुंडलिनी दबाव देते तो कुंडलिनी को और बल मिलता है। तो जो साधक को उड्डयन बंद कुंडलिनी ही लगवाती है उसी के द्वारा, और भी होता है, तुमने सिर्फ उड्डयन बंद को पूछा। साधक बिना इच्छा किए कृत्रिम रूप से नहीं, वास्तव रूप में ध्यान में खुद जालंधर बंद लगाने लगता है। वो लगाता नहीं, उसे होश भी नहीं होता। जब जालंधर बंद लगता है, थोड़ा दबाव होता, खिंचाव होता, तो वो खूब जान लेता, ऐसा नहीं जानने जान लेता, मगर जालंधर बंद अगर कठोर साधना है तो नहीं खुलता है, क्योंकि अंदर से कुंडलनी करा रही होती है, प्राण वैसा ही क्रिया करने लगता है। इसी प्रकार उड्डयन बंद अगर कठोर साधना हो कर रहा है साधक, तो चिपक गया, फिर ये अगर वो कोशिश करे कि खुल जाए तो जल्दी नहीं खुलता। हालांकि वो घबराता नहीं है, घबराहट नहीं होती, एक प्रकार की उसे प्रसन्नता सी प्राप्त होती, लेकिन हल्का सा कष्ट जरूर महसूस होता कि उसका नाभि चिपका हुआ है और वो यानी जो उड्डयन है नाभि का क्षेत्र खुल नहीं रहा, यानी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राण दबाव देता। एक और बात बता लो कि खाली अगर उड्डयन लगता है तो अभी यानी शुद्धता थोड़ी कम हो रही है, तीनों बंद लगने चाहिए, नीचे वाला छेद यानी मूल बंद है जो, वो भी लगना जरूरी होता है, नहीं तो वायु नीचे के ऊपर से कहीं ना निकल जाए पान वायु। हालांकि ऐसा नहीं होता, नीचे वाला क्षेत्र है जो, तो वो संकुचित होकर के ऊपर की ओर दबाव देता। उड्डयन जो वायु भरी हुई है नीचे की ओर दबाव दे रही, अर्थात नीचे की ओर वायु नहीं निकलेगी और ऊपर से दबाव मिला, तो दबाव कहाँ पड़ा जाकर के मूलाधार क्षेत्र में। अब मूलाधार क्षेत्र में वो क्योंकि सूक्ष्म वायु है, स्थूल की सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो रही, क्योंकि साधक सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहा है, जो सूक्ष्म शरीर में प्राणवायु सूक्ष्म चलती है, और जो हम अभी स्थूल शरीर में प्राणवायु ले रहे हैं या स्थूल रूप से है, तो यानी सूक्ष्म रूप से जब प्राणवायु दबाव देगा तो कहाँ जाएगा, वो सुषुम्ना नाड़ी में दबाव देता। जब सुषुम्ना नाड़ी में दबाव देगा तो कहते हैं शास्त्रों में कि ये देवताओं का पथ है, देवताओं का पथ नहीं होता बल्कि मुक्ति के मार्ग का पथ सुषुम्ना नाड़ी है, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को अगर पूर्ण विकसित कर लिया जाए तो मनुष्य का पूर्ण विकास हो जाएगा, मानव से नर से नारायण बन जाएगा। मगर यहाँ पर जो प्रश्न है कि उड्डयन लगने का, उड्डयन इसीलिए लगता है कि कुंडलिनी के कारण लगता है, और उसका प्राणों का दबाव वैसा ही होता है, मूलाधार चक्र में दबाव देता है जा करके प्राण, और कुंडलिनी ऊपर की ओर ऊर्ध्व होने में सहायक होती, जब उड्डयन ज़्यादा लगेगा कुंडलिनी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी। अभी अभी आपने बताया कि जब कुंडलिनी स्थिर हो जाती है तो उसकी लंबाई अमूमन इंसान के शरीर की जितनी हो जाती है, लगभग उससे थोड़ा कम, लगभग उससे थोड़ा कम, तो क्या वो 3.5 चक्कर जो शुरुआत में शिवलिंग के ऊपर लगाई हुई थी दिखती है, तो क्या बाद में उसकी लंबाई बदलती रहती है समय समय के साथ? बहुत अच्छा सोच के प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न किसी ने किया नहीं, हालांकि किसी समय 92 में महाराष्ट्र में हमसे प्रश्न किया गया 92 में, कि जब हमें यानी शुरुआत होती है मूलाधार चक्र में तो शिवलिंग बहुत छोटा होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र छोटा है, हम इस शरीर को ना लें सूक्ष्म शरीर में भी बहुत छोटा होता, कुंडलिनी 3.5 चक्कर, तो अनुमान लगा लो कितनी बड़ी होगी। अब आ गया कि नीचे से ऊपर को ओर धीरे 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 कर रहे, अब प्रश्न का समय आ गया। मैंने अभी बताया कि कुंडलिनी का कोई स्वरूप नहीं अव्यक्त है, दूसरे मैंने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में यानी अपरा प्रकृति में कण कण में व्याप्त है, यानी ये जो अपरा प्रकृति है कुंडलिनी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड ओतप्रोत है, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कुंडलिनी ना हो, पिंड रूप की बात है, और मनुष्य के शरीर में भी वैसे ही यानी सूक्ष्म शरीर में भी आप। अब जो कुंडलिनी का जो एक पैमाना लिया आपने भौतिक दृष्टि से, भौतिक सोच से, कि छोटी सी होती, अगर फिर गौर करें कि वो यहाँ तक आई, इतनी लंबाई हो गई, अगर कोई सी मनुष्य की लंबाई 6 फीट है तो क्या 6 फीट की हो गई, 6 की नहीं होगी तो 5-5.5 फीट की हो जाएगी अगर नापें इंची टेप लेकर के। खैर ये ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए शब्दों का कि इंची टेप से नापें या क्या करें, लेकिन बढ़ती कैसे है, ठीक है, जब शुरू में जागृत होती है तो उसका आकार उतना ही बड़ा लगेगा, और ये हमारा इतना सब कहने का
अग्नि तत्व जो स्वरूप है वास्तव में संपूर्ण अग्नि तत्व में वो व्याप्त है। फिर आया वायु तत्व, संपूर्ण वायु तत्व में भी वो व्याप्त है। फिर आया आकाश, संपूर्ण आकाश तत्व में भी वो व्याप्त है, क्योंकि मैंने कहा ना पांचों तत्वों से यह प्राप्रकृत बनी। जब संपूर्ण जगह में व्याप्त है वो, तो इसी तरह से वो संपूर्ण जगह में व्याप्त है, इससे भी परे पराप्रकृत में वो नहीं, महाकुंडलनी के रूप में व्याप्त है, आदि शक्ति के रूप में। जब हर जगह कुंडलनी है तो उसका स्वरूप छोटा बड़ा होने की कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, प्रश्न तुमने किया कि कैसे बड़ी होती, वास्तव में ये होता है जब कुंडलनी छोटी सी है और धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई, जो हम साधना करते हैं और समाधि लगाते हैं, मन की एकाग्रता करते हैं, प्राणायाम करते हैं और आंतरिक विकास करते हैं, सब क्रम साथ साथ चलता। जब आंतरिक विकास होता है तो मनुष्य के यानी अभ्यासी के शरीर में आंतरिक यानी सूक्ष्म रूप से व्यापकता बढ़ती है, व्यापक धीरे धीरे व्यापक हो रहा, फैलाव हो रहा सभी तरह, यानी चाहे मन का फैलाव हो, यानी उसकी वृत्तियों का फैलाव, उसकी सोच का फैलाव हो, यानी व्यापक होता है, होता जाता। वैसे वैसे ही कुंडलनी ऊर्ध होती है, उसका स्वरूप भी बढ़ता जाता है। उसका ये नहीं है अपने तुम्हारे अपनी तरह कि अगर मनुष्य 6 फीट का है तो 6 का रहेगा, वो सर्वत्र व्याप्त है। तो इसलिए लेकिन अभ्यास के द्वारा वो धीरे धीरे बढ़ रही, क्योंकि एक नियम है प्रकृति का, सिद्धांत है कि वो जो कुंडलनी शक्ति है बहिर्मुखी और निम्नमुखी होते 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 मूलाधार चक्र में आते आते वो स्थूल जैसी हो गई, सूक्ष्म शरीर में आकर के वो विद्यमान हो गई, तो छोटे से रूप में हो गई। जब उसका फिर विकास क्रम हुआ तो अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करने लगी, धीरे धीरे विकास हो रहा, जैसे जैसे विकास हो रहा स्वरूप उसका बढ़ रहा है। जैसे नहीं कहते कि ऊपर जा रही, एकदम नहीं जा सकती, कभी भी कुंडलनी इतनी ऊपर नहीं जा सकती। मैं अगर जो अब थोड़ा और आगे की, अगर मैं योग बल लगाऊँ किसी भी साधक में कुंडलनी जाकर कर लगूँ, तो हमें निश्चय ही बहुत ज़्यादा योग बल लगाना पड़ेगा। क्यों? कुंडलनी मान लो इसी वक्त तो थोड़ी जा रही है, थोड़ी सी है, अगर हम योग बल ज़्यादा नहीं देंगे तो कुंडलनी का आकार नहीं बढ़ेगा। अगर योग बल बार बार दे रहे, बार बार दे रहे हैं कि अभी हो जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में योग बल देना पड़ेगा, और शरीर पहले, उसके पहले साधक का शरीर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुद्ध करना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव होगा, वरना नहीं होगा। इसीलिए बहुत से गुरु लोग ऐसा नहीं मानते कि कुंडलनी को ज़बरदस्ती ऊपर लिया जा सकता, मगर मैंने जो प्रैक्टिकल किया उनसे भिन्न भी होता। ये योगी की योग्यता के अनुसार है कि साधक को किस अवस्था में पहुंचाना चाहता है। खैर, जो कुंडलनी के विषय में पूछा, वो जैसे जैसे साधना करता है अभ्यासी, वैसे वैसे कुंडलनी का स्वरूप बढ़ता रहता है, और उसी को जैसे जैसे बढ़ता है तो अभ्यासी का आंतरिक विकास होता जाता। आंतरिक विकास होने के कारण उसका स्वरूप बढ़ रहा है, चाहे ऐसा समझो कि अभ्यास कारण जो ऊर्ध हो रही है, जो जितना ऊर्ध हो रही है वैसा विकास हो रहा है, जो भी हो एक दूसरे के पूरक है। आंतरिक विकास हो रहा है, कुंडलनी का स्वरूप भी बढ़ रहा है, या कुंडलनी का स्वरूप जो बढ़ रहा है वो आंतरिक विकास हो रहा है। तो जितना होगा पूर्ण यात्रा वो करेंगे, वही है जो यहाँ से लेकर यानी स्थूल जगत से लेकर के पराप्रकृति तक उसका फैलाव है, तो उसकी यानी सर्वत्र व्याप्त है, तो उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ा करता है। एक भौतिक शब्दों के रूप में उसको हम बांध रहे हैं शब्दों में, वैसे वो सर्वत्र व्याप्त है बस। 3.5 चक्कर का क्या कुछ मतलब विशेष कोई अर्थ है, जो 3.5 चक्कर ही दिखाई देते हैं, किसी को 2.5 या 4 क्या ऐसा भी दिख सकता है जब इसका कोई व्यक्त रूप में आकार नहीं है? अब 3.5 चक्कर क्यों होते हैं ऐसा वास्तव में हमने नहीं जाना, जो नहीं जानता हूँ मैं, मुझे ज्ञान नहीं, मैं नहीं जानता। शास्त्रों में भी मैंने जो पढ़ा किसी काल में अपने गुरुदेव के द्वारा और अन्य योगियों के द्वारा, जो सुना और मैंने खुद प्रैक्टिकल के द्वारा देखा, और मैंने अभी तक लगभग 40 से ज़्यादा साधकों की कुंडलनी जागृत की, जो मैंने देखा वो 3.5 ही होते हैं। अब ये क्यों होते हैं इसका बारीकी से विधान मुझे मालूम नहीं कि 3.5 ही क्यों होते हैं, 2.5 क्यों नहीं होते। हो सकता है और कोई अधिक जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला भाई बता सके, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसका स्वरूप ही ऐसा होता, जो मेरा अनुमान है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो इस तरह का वो बनी हुई कि 3.5 चक्कर यानी पूरी तरह से जो यानी ओत प्रोत है वो है, तो 3.5 चक्कर लगे हुए दिखे। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा शब्दों का हेर फेर करता कि हाथ यहाँ ही क्यों लगे हुए हैं, या हाथ 2 ही क्यों लगे हुए हैं मनुष्य के, 3 क्यों नहीं है। तो भैया आप क्या कहें, संरचना ही ऐसी है कि 2 हाथ लगे हुए हैं, 2 पैर लगे हुए हैं, सहस्त्रार बाहु की तरह 1000 हाथ क्यों नहीं है।
तो मतलब कहने का, वो भी हजार हाथ नहीं रखता था। जब वो कोशिश करता था, हजार हाथ उसको तपस्या के द्वारा प्राप्त हुआ, 20 हाथ वाला नहीं था। जब वो इच्छा करता था, यानी वो अपने स्वरूप में जो योग बल से प्राप्त किया, तपस्या के द्वारा प्राप्त हुआ, 10 सिर 20 हाथ तभी हुए। लेकिन अब कहो कि जो जब साधारण अवस्था में होता था तो एक सिर और दो ही हाथ होते थे, ऐसे शास्त्र बहु, हजार हाथों वाला नहीं होता था। यानी जब अपना व्यवहार करता था, यानी संसार में राजा के रूप में, तो हजार हाथ लगा के नहीं चलता था। या एकदम से हजार हाथ अगर लगाए जाएं कृत्रिम रूप से तो लगेंगे भी नहीं। उसका मतलब यही होता कि योग बल से उसने अपना इतना विकास कर लिया और मतलब अपने इष्ट से इतना आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि इतने शरीर हाथ धारण करने की क्षमता रखता है। एक हाथ कट गया, दो कट गया, इतने से काम कर सकता है। ये नहीं कि हजार हाथ वाले अगर कृत्रिम रूप से लगाए जाए, हाथ हजार हाथ तो लगेंगे नहीं, 10-20 हाथ के बाद जगह भी नहीं बचेगी। हाँ, उनको प्रकट करता जाएगा, मतलब शब्दों का हेर फेर। तो ये एक संरचना है प्रकृति की। तो अब वो 3.5 चक्र जो लगे, चक्कर लगे हुए हैं, तो एक ये इसी रूप में वो विद्यमान रहती, उसका स्वभाव है। या जैसे मान लो कुंडलनी मूलाधार में ही क्यों बैठी हुई, स्वाधिष्ठान में क्यों नहीं है, तो एक मूलाधार यानी मूल यानी आधार में ही है, नीचे से नीचे, मतलब सबसे नीचे और सबसे ऊपर भी विद्यमान, अर्थात संपूर्ण जगह। तो इसका कहीं शास्त्रों में भी लेख नहीं है, ऋषियों के द्वारा भी और तपस्वियों के द्वारा नहीं कहा गया, जो पूर्व काल के ऋषि होते थे, ब्रह्म ऋषि हो चाहे ऋषि हो यानी तत्वज्ञानी हो, कभी कुछ ऐसा नहीं बताया गया। लेकिन जो मेरा है तो उसकी संरचना ऐसी है, या ऐसा दिखती है तो दिखती है। Mm-hmm.